नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पीयू छात्र संघ चुनाव में जन अधिकार पार्टी का परचम लहराया है। जाहिर है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव की पार्टी के लिए ये बड़ी सफलता है। हम बात करेंगे पीयू छात्र संघ के नए अध्यक्ष मनीष कुमार से, जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है और अध्यक्ष पद जन अधिकार पार्टी के खाते में डाला है। तो इस कामयाबी पर भी बातचीत होगी और इस सवाल पर भी बातचीत होगी कि चूंकि 2018 के छात्र संघ चुनाव में ये सीट चली गई थी, छात्र संघ अध्यक्ष का पद चला गया था जेडीयू के खाते में। जेडीयू बिहार में सत्ताधारी पार्टी है, तो 2018 में जो पद जेडीयू के खाते में था, जो जीत जेडीयू को मिली थी, 2019 में वही जीत जन अधिकार पार्टी को मिल जाती है। तो एक साल में क्या बदल गया कि जन अधिकार पार्टी के हिस्से में ये बड़ी कामयाबी आई है? तो क्या बदल गया मोहित जी कि 2019 में आपकी पार्टी जीत गई, आप अध्यक्ष बन गए? इस बदलाव को, इस जीत को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जीत को पटना की जनता ने, पटना के बार में फंसे छात्र ने, हमारी छात्राओं ने, जो पटना वुमेंस कॉलेज मगध महिला में जिन्होंने बार में फंसने वक्त, जब कोई नेता, जब कोई छात्र संघ में जीते हुए लोग काम नहीं आए, तब माननीय पप्पू यादव जी और हमारे जन अधिकार छात्र परिषद हर घर खाना, दूध, पानी पहुंचाने का काम किया। ये बदलाव की शुरुआत वहाँ से थी। और आप 2018 की बात मत कीजिए, 2012 में बहुत बड़े विधायक कुम्हरार विधानसभा के बेटे यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद चुनाव होता है, बहुत बड़े जात के नाम पे कुछ लोग चुनाव जीत के जाते हैं, फिर एक पूंजीपति के बेटे चुनाव जीत के जाते हैं। लेकिन पटना विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हैं वो वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाती है। कारण ये कि वैसे लोग चुनाव जीत के आते हैं जिन्हें सिर्फ चुनाव से मतलब रहता है, राजनीति से मतलब रहता है, आम छात्रों के कभी समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं रहा। मैं मनीष कुमार 4 साल से पटना विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहा हूं और ये संघर्ष की जीत है। ये जातिवाद, ये पूंजीवाद लोगों की हार हुई है, ये संघर्षवाद की जीत है। और इस जीत को मैं पटना विश्वविद्यालय के उन तमाम छात्र छात्राओं को जो छोटे छोटे गाँव कस्बे से आते हैं यहाँ पढ़ने, एक लोकतंत्र की तलाश में, इस जीत को मैं उन्हें सौंपना चाहता हूं। इस जीत को मैं अपने एएसएफ के सभी कार्यकर्ताओं को सौंपना चाहता हूं। मनीष जी, एक चीज़, अब तो चूंकि आप जीत गए हैं तो कोई डिप्लोमेटिक जवाब देने का मतलब नहीं है, सीधा और सटीक जवाब दीजिएगा। चुनाव जब आप लड़ रहे थे, क्या उम्मीद थी कि जन अधिकार पार्टी जीत जाएगी अध्यक्ष का पद? आपको मालूम होना चाहिए जब 2017 में चुनाव हुए तो मात्र 100 वोट से जन अधिकार छात्र परिषद चुनाव हारी थी, मात्र 100 वोट से। हमें 1000% उम्मीद था और हम 500 वोट से लीड करके ये चुनाव जीते हैं। तो उम्मीद ना होने का सवाल ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने 24 घंटे एक कर पटना की जनता की सेवा की हो, जिस छात्र नेता ने 4 साल जनता अपने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए एक किया हो, जेल तक गया हो, आप उनसे ये सवाल कर रहे हैं। और वैसे छात्र जो हवा हवाई छात्र नेता जो स्कॉर्पियो से और फॉर्चूनर से और 10 बॉडीगार्ड लेके विश्वविद्यालय चुनाव में 2 दिन के लिए छात्र नेता चुनावी मेढक बनने आते हैं, वैसे छात्र नेता क्या उम्मीद करें कि वो चुनाव जीत रहे हैं? हम लोग कंफर्म थे कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। एक बात कही जा रही है, जेडीयू को शिकस्त मिली है 2018 में। जब जेडीयू को जीत मिली थी तो ये कहा गया कि ये जीत प्रशांत किशोर की जीत है, प्रशांत किशोर की जो रणनीति रही है वो कारगर रही है, इस बार प्रशांत किशोर नहीं थे। तो जब जेडीयू हारी है तो यह भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर हैं इस हार में, प्रशांत किशोर नहीं हैं, उसका फायदा आपकी पार्टी को मिला है। आप ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर अगर होते तो लड़ाई मुश्किल हो जाती? देखिए, मैं नहीं मानता। प्रशांत किशोर होते तब भी हम ये चुनाव जीतते। हमारे नेता पप्पू यादव लगातार छात्रों की समस्याओं को उठाते आए, पटना की समस्याओं को उठाते आए, और उसका परिणाम है कि हम आज ये चुनाव जीते हैं। प्रशांत किशोर रहे ना रहे, प्रशांत किशोर अगर रहते तो 5 सीट चुनाव जितवा के ले आते, 2 सीट जीत के आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, इसी तरह का सवाल, एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं। क्या आप ये मानते हैं पप्पू यादव की जो छवि हाल के कुछ दिनों में बनी है, कुछ महीनों में बनी है, पटना के जलजमाव की बात कर रहा हूँ, जलजमाव से लेकर अब तक जो उनका एक इमेज बना है, उस इमेज का फायदा पहुँचा है? अगर वो इमेज नहीं बना होता तो कहीं ना कहीं राह मुश्किल होती?
देखिए आपको तो दो, हमको दो पहलू देखना ही पड़ेगा और छात्र भी दो पहलू को चुन के ही चलते हैं। एक पहलू वो है पटना में जो जल जमाव हुआ, वो एक पहलू छात्र संघ का एक हिस्सा हो सकता है वोट आने का, लेकिन एक हिस्सा वो भी है कि हम दिन रात छात्रों के लिए संघर्ष करते हैं पटना विश्वविद्यालय में। मैंने चैलेंज किया था प्रेसिडेंशियल डिबेट में कि अगर मनीष कुमार से ज़्यादा वर्क करने वाला, संघर्ष करने वाला किसी भी पार्टी ने कैंडिडेट दिया हो तो वो मंच पे आए, मैं नॉमिनेशन वापस लूंगा, उसे समर्थन करूंगा। कोई ऐसा कैंडिडेट किसी पार्टी ने नहीं दिया, सब हवा हवाई जात के नाम पे, पैसों के नाम पे कैंडिडेट्स दिए, और मैं 4 साल से लगातार संघर्ष करना तैयार था, उसका परिणाम है कि मैं आज छात्र संघ का अध्यक्ष हूं। तो आखिरी सवाल है, सवाल यह है कि क्या आम लोगों को, छात्रों को, युवाओं को जेसीबी वाला नेता रास आ रहा है? क्या युवाओं को, आम लोगों को ट्रैक्टर वाला नेता रास आ रहा है और इस वजह से ये सफलता मिली है? और दूसरी बात है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस सफलता को किस तरीके से आप देखते हैं, और क्या लगता है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राह आसान होगी पार्टी की जब ये सफलता मिल गई है? देखिए हमारे माननीय पप्पू यादव जी हमेशा से छात्र युवाओं के बीच लोकप्रिय रहे, कहिए परिस्थितियाँ हमेशा एक नहीं होती है, आज वो परिस्थिति एक थी, समय एक था कि जब छात्र संघ जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा हम ही नहीं, हमारे दोनों सीट जीत के आए और ये करारा तमाचा था उनके बीच, जो हमेशा छात्रों के भविष्य के साथ, छात्रों के मुद्दों के साथ खिलवाड़ करते आए, पैसों के दम पे वोट को बांटने की कोशिश की। और ज़रूर 2020 का जितने सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे हमें पूरी उम्मीद है, और हम पटना से भी लड़ेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी सीट पर जन अधिकार छात्र परिषद चुनाव लड़ेगी उस सभी सीटों पर सफलता ही पाएगी। तो मनीष जी थे हमारे साथ, छात्र संघ के नए अध्यक्ष हैं, और चूंकि जन अधिकार पार्टी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है इसलिए इनसे बातचीत जरूरी थी, और इस कामयाबी पर, इस रिजल्ट पर, इस परिणाम पर कई सवाल जो खड़े हुए हैं और इसको लेकर जो कई सवाल बिहार के सियासी गलियारों में टहल रहे हैं उनका जवाब भी आप तक पहुंचाना जरूरी था। आपको जवाब मिल गया होगा, आपके जेहन में जो सवाल होंगे हमने मनीष से पूछा है, मनीष ने बताया है। इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।